हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी, वंदे मातरम पर रोक लगा दी है जो नए मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ ने, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है राष्ट्र की भावनाओं का नुकसान? देखिए, देशभक्ति और देश दलों से परे है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, बदलती रहती है, लेकिन कुछ मापदंड और पैमाने ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदला करते। वंदे मातरम तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया, उसको बंद करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमने इसका विरोध करने का फैसला किया है। इसका विरोध का क्या तरीका किया? 7 तारीख को वल्लभ भवन के सामने, जहां हर महीने की 1 तारीख को वंदे मातरम गाया जाता था, भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक इकट्ठे होंगे, हम वंदे मातरम गाएंगे, उसके बाद वहीं से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा जाएंगे। किसने इसको बंद कराने का फैसला किया है और क्यों? सर, आपको लगता है राहुल गांधी हैं इसके पीछे? कमलनाथ जी को जवाब देना होगा, वंदे मातरम क्यों बंद किया, किसके कहने पर बंद किया? राहुल गांधी तो नहीं, अब ये वो ही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर कर्ज माफी हो जाएगा और वंदे मातरम भी बंद हो गया 10 दिन। वंदे मातरम को बंद करने में तो 10 दिन भी नहीं लगे, कर्ज माफी अभी इंतजार कर रही है। केवल मीसा के अंदर जो बंदी थे उनकी पेंशन रोक दी गई, वो सरकार फैसला करे, मुझे उस पर कुछ नहीं। आपको विरोध नहीं है उस पर? ऐसे मामलों में हम लड़ें, ये हमारे स्वभाव के विपरीत है। आपातकाल में घनघोर अत्याचार हुए थे, कई परिवार तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, और ऐसे कुछ परिवार जिनको हम लोकतंत्र सेनानी के रूप में पेंशन देते थे, वो हमको जायज लगती थी, क्योंकि परिवार के परिवार तबाह हो गए थे। राज्यपाल से भी मांग करेंगे? ये सरकार फैसला कर रही है। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।